नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मैकेनिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल GAR मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स। दोस्तों आज एक दिलचस्प वीडियो हम लेके आए हैं जिसके अंदर हम बताएंगे आपको कि होंडा एक्टिवा के फुल इंजन की फिटिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये मैंने पूरा इंजन डिसअसेंबल करा हुआ है और इसके पूरे सामान को मैंने अच्छे से पेट्रोल से वॉश किया हुआ है। आप देख सकते हैं हमने पूरा चैम्बर को और इसके एक एक पार्ट नट बोल्ट वगैरह सारे सामान को हमने अच्छे से साफ़ किया है। अब इसके बाद हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि एक्टिवा के इंजन की फ़िटिंग किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों एक्टिवा के इंजन की फ़िटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने चैम्बर के अंदर जो मेन ऑयल सील होती है, जैसे ये क्लच की ऑयल सील और उधर आगे क्रेंक की ऑयल सील होती है, और उस वाले चैम्बर में जो मैग्नेट की ऑयल सील होती है वो हमने रिप्लेस कर दी है जिससे वीडियो लंबा ना होए और समय की बचत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले इसकी क्रेंक और टाइमिंग चेन लगाएंगे। तो दोस्तों ये क्रेंक हमने रिपेयर करवाई है, इसके अंदर दोनों बेरिंग नए डले हुए हैं और इसकी कनेक्टिंग रॉड पिन बेरिंग वगैरह नए डाले हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नया मोबिल लगा लेते हैं और उसके बाद इसको फिर चैम्बर में लगाएंगे और इसके बेरिंगों में भी थोड़ा बहुत ऑयल लगा लेते हैं जिससे बेरिंग बैठने में और बेरिंग की जो आवाज़ है वो स्मूद हो जाएगी। और अब हम क्रेंक को चैम्बर के अंदर बैठाते हैं कुछ इस तरीके से कि टाइमिंग चेन को थोड़ा सा दूर रख के क्रेंक को बैठा दिया है हमने और ये हमारी क्रेंक अच्छे से असेंबल हो चुकी है। दोस्तों इसके मेन चैम्बर के अंदर पैकिंग होती नहीं है, इसलिए यहाँ एनाबॉन्ड और जो रेजी बॉन्ड होती है उसका यूज़ किया जाता है। तो हम एनाबॉन्ड का यूज़ करेंगे जिससे इसकी पैकिंग का ये कवर बन जाएगा। और थोड़ी सी ट्यूब हम दूसरे चैम्बर पर भी लगा देते हैं जिससे जब दोनों चैम्बरों को फिट करेंगे तो ये एनाबॉन्ड ट्यूब पैकिंग का रूप ले लेगी जिससे ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यानी चैम्बर में से कहीं भी ऑयल लीक नहीं होगा क्योंकि इसके मेन चैम्बर में पैकिंग होती नहीं है। तो ये हमने ट्यूब अच्छे से अप्लाई कर दी है। अब इसके बाद हम इस दूसरे वाले चैम्बर को मेन चैम्बर के ऊपर लगाएंगे और इसको आराम से पुश करते हुए नीचे बैठा देंगे जिससे ये बैठ जाएगा। तो दोस्तों ये हमने चैम्बर को अच्छे से बैठा दिया है। अब हम फटाफट से इसके मेन चैम्बर के बोल्ट लगाएंगे और इसको टाइट करेंगे। दोस्तों इसके मेन चैम्बर के अंदर सारे बोल्ट 10 नंबर के होते हैं और उनका हेड भी 10 नंबर का होता है जिसके 10 की टी टोमी की मदद से उनको टाइट किया जाता है, इसलिए इनके बोल्टों को पहचानने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम इनको फटाफट से टाइट कर देते हैं। दोस्तों इनको पहले हल्के हल्के हाथों से टाइट करना होता है, उसके बाद फिर इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट किया जाता है, यानी सारे बोल्टों को आमने सामने कसा जाता है जिससे चैम्बर की जो फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में आती है और ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम इसमें रहती नहीं है। इसलिए जब भी आप चैम्बर के बोल्टों को कसे या किसी भी बाइक के इंजन के बोल्टों को कसे तो हमेशा क्रिस क्रॉस पैटर्न में कसे, यानी उसको आमने सामने की तरफ करते हुए कसे जिससे चैम्बर की फिटिंग अच्छे से हो सके। ये हमने टाइट कर दिया है। अब हम इसके बाद इसका ऑयल पंप लगाएंगे जो कि हम इसके अंदर नया रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए हम इसका ऑयल पंप चेंज करेंगे। और दोस्तों वैसे एक्टिवा का जब भी पूरा इंजन का काम किया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका ऑयल पंप चेंज करा जाए क्योंकि वो ज़्यादा महंगा होता नहीं है और ऑयल पंप चेंज कर दे तो ऑयल की सप्लाई अच्छे से हो जाती है। इसलिए जब भी एक्टिवा के इंजन का काम किया जाए तो मस्ट इम्पॉर्टेंट उसके अंदर ऑयल पंप जरूर चेंज किया जाए। तो दोस्तों इसके अंदर हम नया ऑयल पंप रिप्लेस कर रहे हैं जो कि प्रिकॉल कंपनी का है, जो कंपनी रिकमेंडेड भी प्रिकॉल का ही निकलता है, इसलिए हम प्रिकॉल का ही ऑयल पंप यूज़ कर रहे हैं। तो ये नया ऑयल पंप है वो हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। साथ में ऑयल पंप की जो ऊपर वाली प्लास्टिक की जो गरारी होती है जो क्रेंक के वेट के साथ घूमती है जिससे ऑयल की सप्लाई होती है, वो भी हम नया डालेंगे। तो ऑयल पंप को लगाने से पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा नया ऑयल डाल के इसके नीचे इसकी पिन लगा के इसको गोल गोल घुमा के देखेंगे ऑयल एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है, ये एक तरफ जा रहा है, ये अब ये दूसरी तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये ऑयल पंप सही है। तो दोस्तों ऑयल पंप की भी फिटिंग करने से पहले उसको चेक कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि नया ऑयल पंप लाने के बाद भी ऑयल की सप्लाई होती नहीं है और इस वजह से इंजन सीज हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि नया ऑयल पंप बिल्कुल परफेक्ट आता हो, कई बार नए ऑयल पंप में भी शिकायत आ जाती है,
इसलिए ऑयल पंप जब भी चेंज करें हम उसके अंदर ऑयल डाल के उसको अच्छे से चेक कर लेवे। अब हम ऑयल पंप की दो डाउले आती है वो लगाएंगे। ये हमने लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर के दो 10 नंबर के बोल्ट थे वो लगा के इसको टाइट करेंगे। अब बारी आती है इसके ऑयल पंप के गियर की। तो ये ऑयल पंप का गियर है, ये भी हम नया डाल रहे हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर इसकी पिन लगा के इसको इस तरीके से लगाएंगे कि सीधा क्रेंक के वेट में टच हो जाए, जिससे हमारे ऑयल पंप की फिटिंग भी अच्छे से प्रॉपर हो सकेगी। हमने लगा दिया। अब हम एक बार टाइमिंग चेन को घुमा के देखेंगे, ये अच्छे से काम कर रहा है, ये इजीली बैठ चुका है। अब हम इसके ऊपर की प्लेट लगाएंगे। इसकी प्लेट भी अच्छे से बैठ गई है। अब हम इसके जो दो 10 के बोल्ट बचे हुए थे वो भी लगा के टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों, ऑयल पंप के लगने के बाद इसकी बारी आती है इसके मैग्नेट कॉइल प्लेट की। तो अब हम मैग्नेट की कॉइल प्लेट लगाएंगे, जिससे हमारा मैग्नेट की तरफ का आधा काम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके इंजन की फिटिंग करने में। ये कुछ इस तरीके से लगती है। अब इसके बोल्ट लगा के इसको टाइट कर देंगे। मैग्नेट कॉइल प्लेट के लगने के बाद दोस्तों, अब बारी आती है इसके मैग्नेट रोटर की। तो अब हम इसका मैग्नेट रोटर भी लगाएंगे। ये इसका वॉशर और 14 नंबर की डेबरी लगा के इसको टाइट कर देंगे। ये हमने क्रेंक का टूल लगाया, जिससे हमारी क्रेंक घूमेगी नहीं और मैग्नेट टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैग्नेट की तरफ से हमारा करीब करीब पूरा काम हो चुका है। इसका ऊपर का फ़ैन लगाना है, बाकी रह गया है, तो वो फ़ैन भी हम लगा देते हैं। दोस्तों, इस फ़ैन का काम इंजन को हवा देने का होता है, यानी जब गाड़ी रनिंग में होती है तो ये फ़ैन क्रेंक के साथ घूमता है, जिससे अंदर हवा जनरेट होती है और उस हवा की वजह से यह हवा इंजन के चारों तरफ प्लास्टिक के कवर के अंदर घूमती रहती है और हमारा इंजन ठंडा होता रहता है। तो ये पंखा हमारे इंजन को ठंडा करने के काम आता है। तो दोस्तों, मैग्नेट की तरफ से हमारा ओवरऑल पूरा काम हो चुका है। तो दोस्तों, वेरिएटर के अंदर रोलर की फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे चैम्बर के अंदर कुछ इस तरीके से। अब हम यूज़ करेंगे इसके अंदर फैन बेल्ट नई, जो कि बेंडो कंपनी की है, जो कि कंपनी OEM होती है ये, इस वजह से हम इसी कंपनी की फैन बेल्ट का यूज़ करते हैं। इसकी क्लच की पुली लगाएंगे, इसमें बेल्ट कुछ इस तरीके से लगा के इसको दबा देंगे, जिससे बेल्ट इसमें बैठ जाएगी और फिर दूसरी तरफ से इसको बैठा देंगे। अब इसके वेरिएटर के ऊपर एक फेस ड्राइव आता है, ये इसको लगाएंगे। इसके बाद इसकी जाली होती है वो लगाएंगे। ये इसकी रेचेट गरारी का सिक्का होता है, ये हम लगाएंगे। उसके बाद इसका वॉशर और फिर इसकी बोल्ट लगाएंगे, जो कि 22 नंबर का होता है। अब हम क्रेंक में वापस से पहले वाला टूल लगाएंगे और इस 22 नंबर के बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देंगे। तो ये टाइट हो चुका है। अब इसके पीछे वाले क्लच के ऊपर भी हम इसके क्लच का जो कटोरा होता है वो लगाएंगे। उसके बाद इसका वॉशर और फिर बोल्ट लगा के उसको भी टाइट कर देंगे। इसका वॉशर और 19 नंबर का बोल्ट होता है दोस्तों इसके अंदर। अब हम कटोरे को रोकने वाला टूल लगाएंगे, जो कि वाई पत्ती जैसा होता है। तो हम रोटर को रोकेंगे और फिर उसको टाइट कर देंगे। तो ये भी अच्छे से टाइट हो चुका है। दोस्तों, क्लच की फिटिंग करने के बाद बारी आती है इसकी सेल्फ बेंडेक्स की, जिसको सेल्फ पिनियन भी बोली जाते हैं या सेल्फ बेंडेक्स भी बोल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मोबिल लगा देंगे, जिससे ये ड्राई ना चले, और हल्का सा लुब्रिकेट करके इसको इसके अंदर लगा देते हैं। अब इसके ऊपर इसका एक मंदिर होता है, जिसको सेल्फ मंदिर बोलते हैं, वो लगाएंगे और उसके बुश में भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे। तो एक क्लच का हमारा पूरा काम रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसके क्लच कवर फिटिंग की। एक क्लच का चैम्बर लेंगे,
और इसकी किक की गरारी को भी हम थोड़ा सा लूप करेंगे, जिससे किक लगाने में किक हमारी जाम रहेगी नहीं, नीचे रह जाती है वो ड्राई रहने की वजह से। तो थोड़ा सा इसमें मोबिल का यूज़ करेंगे जिससे किक हमारी इजी फ्री हो जाएगी, यानी जब भी हम गाड़ी में किक लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। अब इसको चैम्बर में लगा देते हैं, ये हमारा बैठ गया। अब हम इसके फटाफट से इसके बोल्ट लगा के इसको कंप्लीट करते हैं, और फिर बारी आती है इसके हेड सिलेंडर की फिटिंग की। तो पहले इसके बोल्ट लगा के टाइट कर देते हैं और फिर हेड सिलेंडर की तरफ बढ़ते हैं। ये इसके नीचे की तरफ एक पत्ती होती है, जब हम गाड़ी को मैन स्टैंड से उतारते हैं तो ये मैन स्टैंड इस पत्ती पे एक रबड़ लगा हुआ होता है, उससे जाके टकराता है, जिससे मैन स्टैंड की आवाज़ आती नहीं है। तो वो भी हमने लगा दिए, अब हम फटाफट से इसके सारे बोल्ट कस देंगे। तो दोस्तों क्लच की फिटिंग होने के बाद अब बारी आती है इसके मैन स्टैंड फिटिंग की, जिससे हमारा हेड सिलेंडर का काम करने में आसानी होगी। तो मैन स्टैंड की भी हम फिटिंग कर देते हैं, और मैन स्टैंड की पिन पे थोड़ा सा मोबिल लगा देते हैं, जिससे पिन अंदर जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल लुब्रिकेटेड होके अंदर जाएगी और आराम से हमारा मैन स्टैंड की पिन असेंबल हो जाएगी। पिन के अंदर हम इसका वाशर और एक इसकी क्वार्टर पिन होती है वो भी लगा देते हैं, जिससे हमारा मैन स्टैंड का भी काम हो जाएगा। ये हमने वाशर और क्वार्टर पिन लगा दिया, अब क्वार्टर पिन के दूसरे मुँह को पीछे की तरफ से हम चौड़ा कर देंगे, जिससे वो क्वार्टर पिन निकलेगी नहीं। स्टैंड लगने के बाद दोस्तों इसके इंजन की पोजीशन कुछ इस तरीके की होती है। तो दोस्तों अब हम इसका हेड रेडी करेंगे, उससे पहले हमने हेड के सारे सामान यहाँ रख दिए हैं, इसकी स्प्रिंग, वाशर, वॉल लॉक और वॉल की सील। तो सबसे पहले हम हेड की शीट के अंदर एक वॉशर लगाएंगे, उसके बाद इसकी वॉल सील लगाएंगे, ये हमने लगा दिए। अब इसके बाद हम इसका दूसरी तरफ इसका वॉशर लगाएंगे और फिर इसकी वॉल सील लगाएंगे। अब हम एक वॉल लेंगे, उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करेंगे और उसके बाद उसको हेड में असेंबल करेंगे, और फिर उसके बाद उसकी स्प्रिंग और लॉक लगा के उसकी फिटिंग करेंगे। और थोड़ा सा ऑयल इसकी वॉल की शीट के अंदर डाल देते हैं, जो वॉल की गाइडें होती है वो ड्राई रहती है, तो थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर लगा के इस वॉल को इसमें इंस्टॉल कर देते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरे वॉल की फिटिंग कर देते हैं। इस तरीके से अब बारी आती है इनके लॉक लगाने की, तो अब हम हेड को सीधा करते हैं और उसके बाद इसमें वॉल के साथ इसकी जो ये नीचे आपको दिख रही होगी इसकी दो स्प्रिंगें रखी हुई है, और वॉल के लॉक के वाशर के ऊपर हम थोड़ा सा ग्रेस का यूज़ करेंगे, जिससे लॉक हमारा लगाते समय उछलेगा नहीं, यानी गायब नहीं होगा। कई बार लॉक लगाते समय वो जम खा के निकल जाता है और लॉक मिलता नहीं है फिर ईजिली, इसलिए हम थोड़ा सा ग्रेस का यूज़ करेंगे, जिससे हमारे वॉल के लॉक इसमें चिपके हुए रहेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी स्प्रिंग लगाएंगे, इसके बाद इसका जो हमने लॉक लगाया था वो वाशर रखेंगे, और फिर इसका हेड के वॉल को फिट करने वाला एक वॉल लिफ्टर बोलते हैं टूल को, वो टूल का यूज़ करेंगे, कुछ इस तरीके का होता है वो टूल। तो इस हेड को वॉल के नीचे वाले हिस्से को वॉल लिफ्टर के नीचे वाले इस दूसरे वाले हिस्से पर टच कर देंगे, जिससे वॉल हमारा एक जगह स्टैंडिंग पोजिशन में आ जाएगा, और ऊपर से हम जब इस टूल को कसेंगे तो हमारे वॉल की स्प्रिंग पुश होती जाएगी, यानी नीचे की तरफ जाती जाएगी, जिससे हमारा वाल दिखने लग जाएगा और हमारा लॉक वाल की जगह पे अपने आप आ जाएगा। और फिर उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से वाल में एक कट बना हुआ होता है, उस कट के अंदर उस लॉक को असेंबल कर देंगे, जिससे हमारा वाल की स्प्रिंग उस लॉक की वजह से वहीं अटकी हुई रह जाएगी और हमारा वाल की फिटिंग हो जाएगी। तो ये हमारा एक वॉल का असेंबलिंग हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे लॉक अच्छे से बैठ गए हैं। ये थोड़ा सा ग्रीस मैं साफ़ कर देता हूँ, उसके बाद इसको दिखाता हूँ आपको। दोस्तों इसी तरीके से दूसरे वॉल का भी असेंबलिंग करेंगे, उसके अंदर स्प्रिंग लगा के उसकी प्लेट लगाएंगे जिसमें हमने लॉक लगाए थे, और फिर वॉल लिफ्टर की मदद से उसको पुश करते जाएंगे, जिससे हमारा वॉल नीचे से रुका हुआ रहेगा और स्प्रिंग हमारी नीचे की तरफ जाती जाएगी और वॉल का लॉक अपनी जगह लेता जाएगा। और स्क्रू ड्राइवर की मदद से वॉल में जो कट बना हुआ रहता है उस कट के अंदर हम लॉक को असेंबल कर देंगे, जिससे वाल के अंदर लॉक फिट हो जाएंगे और स्प्रिंग अपनी जगह रुक जाएगी। और ये हमने अच्छे से कर दिया है, दूसरे वाल का इंस्टॉलेशन भी हो चुका है दोस्तों। दोस्तों एक बार हम किसी भी टूल की मदद से इसको पुश करेंगे, यानी हल्की हल्की चोट मारेंगे, यदि हमारा लॉक बैठा हुआ नहीं होगा तो हमारा लॉक उछल जाएगा, और नहीं लॉक अगर अच्छे से बैठा हुआ होगा तो हमारा वाल जंप करके ही रह जाएगा, यानी लॉक निकलेगा नहीं। तो ये हमने अच्छे से फिटिंग कर दी है, हमारे हेड असेंबलिंग हो चुकी है। अब इसके बाद बारी आती है इसकी केम शाफ्ट की, तो केम शाफ्ट के बेयरिंग में थोड़ा सा ऑयल का यूज़ करेंगे,
ये कैमशाफ्ट दोस्तों हम पुरानी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी पुरानी कैमशाफ्ट बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में है, इस वजह से हम पुरानी कैमशाफ्ट को यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर केस में दोस्तों एक्टिवा की कैमशाफ्ट इतनी जल्दी ख़राब होती नहीं है। ये हमारी बैठ गई है। अब कैमशाफ्ट को रोकने के लिए एक वॉशर और एक 10 नंबर का बोल्ट होता है जो कैमशाफ्ट के टाइमिंग इस पॉकेट की तरफ लगता है। यहाँ पे इसको लगा के टाइट कर देंगे जिससे हमारी कैमशाफ्ट एक जगह होल्ड हो जाएगी। अब बारी आती है इसकी रॉकर आर्म की, तो अब हम रॉकर की फिटिंग करेंगे। ये इसके रॉकर है पुराने जो कि परफेक्ट पोजिशन में थे, और ये इसकी पिनें हैं। तो दोस्तों इसका रॉकर लगाया और इसकी पिन में हमने थोड़ा सा मोबिल का यूज़ किया है और इसको कुछ इस तरीके से पुश करके अंदर बैठा दिए। ये हमारा एक रोकर असेंबलिंग हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरे वाले रोकर को हम फिट करेंगे। इस पर थोड़ा सा मोबिल का यूज़ करते हैं जिससे बैठने में आसानी रहती है। ये हमारी दूसरी पिन भी अच्छे से इंस्टॉल हो गई है। तो दोस्तों ओवरऑल हमारे हेड असेंबलिंग का सारा काम रेडी हो चुका है। अब ये रेडी टू शिफ्ट है, यानी इस हेड को हम फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हेड की फिटिंग का काम। अब बारी आती है इसके सिलेंडर की फिटिंग की। तो दोस्तों ये हमारा एक्टिवा का नया पिस्टन है और इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों उषा कंपनी का पिस्टन। दोस्तों पिस्टन के अंदर उषा, गॉड, सैम, ये सारे जेन्युइन कंपनी के पिस्टन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोकल होते हैं या दूसरी कंपनी के होते हैं। उषा और गॉड्स जो कि बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी के होते हैं, यानी गाड़ी के साथ जो पिस्टन लग के आता है वो इन्हीं कंपनियों का होता है, तो वही हम पिस्टन यूज़ कर रहे हैं। तो पिस्टन के अंदर हमने पहले एक लॉक इंस्टॉल कर दिया है, उसके बाद इसका रिंगों का इंस्टॉलेशन करेंगे। और दोस्तों रिंग किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑयल रिंग की हेल्पर रिंग को लगाए थे, तो हम उसको उसके ग्रुप में ना रख के उसको नीचे की तरफ रख देते हैं। उसके बाद इसकी जो जाली वाली ऑयल रिंग होती है इसके अंदर हम कुछ इस तरीके का इसके अंदर पोजिशन रखेंगे कि रिंग के मुंह को जब हम मिलाएंगे तो उसके अंदर ये W बनेगा, कुछ इस तरीके से इसको लगाएंगे। इसके बाद जो हेल्पर रिंग हमने इसके ऑयल रिंग के नीचे रखी थी उसको हल्का सा ऊपर लाके ऑयल रिंग के नीचे की तरफ लगा देंगे। और इसी तरीके से दोस्तों ऑयल रिंग के ऊपर एक हेल्पर रिंग और लगेगी, उस हेल्पर रिंग को भी ऑयल रिंग के ऊपर वाले पोजिशन में लगाएंगे। तो एक हेल्पर रिंग ऑयल रिंग के नीचे आ जाएगी और एक हेल्पर रिंग ऑयल रिंग के ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। तो दोस्तों हेल्पर रिंग के लगने के बाद अब बारी आती है इसके कंप्रेशर रिंग की। तो इसके अंदर दोस्तों दो कंप्रेशर रिंग होती है, एक टॉप वन होती है और एक टॉप टू होती है। तो पिस्टन के ऊपर ही ऊपर वाली रो में जो रिंग लगती है वो टॉप वन लिखी हुई रहती है, यानी जो टॉप वन लिखा हुआ जो पोर्शन होता है रिंग का वो हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाता है। तो दोस्तों ये टॉप वन और टॉप टू वाली रिंगें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये मेरे अंगूठे के पास जो लिख रहा है वो टॉप टू है और इस जगह जो लिखा हुआ है वो टॉप वन है। तो टॉप वन वाली जो रिंग हम लगाएंगे वो पिस्टन के ऊपर ही ऊपर वाले पोर्शन में लगाएंगे, यानी इस जगह टॉप वन की रिंग लगेगी, इस जगह टॉप टू लगेगी। और इसके बाद जो नीचे ही है इसकी ऑयल रिंग और इसकी जो हेल्पर रिंग लगी हुई है, तो दोनों हेल्पर रिंग ऊपर नीचे लगी हुई है, ऑयल रिंग बीच में लगी हुई है। तो चलिए इसको फटाफट से फिट करते हैं और ये लिखा हुआ पिस्टन में ऊपर की तरफ रखेंगे हम दोस्तों। ये लिखा हुआ हम ऊपर रखेंगे और इस रिंग को कुछ इस तरीके से थोड़ा सा चौड़ा करके इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर ज़्यादा ताकत का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो रिंग के अंदर बैंड भी आ सकता है या रिंग ख़राब भी हो सकती है। इसके लिए फिर हमें नया पिस्टन दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये रिंग इंस्टॉलेशन हो गया है। अब हम रिंगों की पोजिशन को चेंज करेंगे कि रिंग हमें किस पोजिशन में रखनी है। तो रिंगों की पोजिशन हमने सेट कर दी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये पिस्टन हम गाड़ी में इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर हमने रिंग किस तरफ रखी है। तो दोस्तों पिस्टन के ऊपर कुछ इस तरीके की मार्किंग होती है, इन लिखा हुआ है और ये WPG लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये WPG जो लिखा हुआ है ये हमेशा एग्जॉस्ट की तरफ जाएगा और ये इन लिखा हुआ कार्बोरेटर की तरफ आएगा, यानी ये हमारा इनलेट वॉल की तरफ आएगा और ये एग्जॉस्ट वॉल की तरफ आएगा। तो इंजन की इस पोजिशन के हिसाब से ये पिस्टन हमारा कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होगा। तो इस तरीके से जब ये इंस्टॉल होगा तो इसके अंदर टॉप वन की रिंग का मुंह हमने रखा है इनलेट की तरफ, ये हमने इनलेट की तरफ रखा है, और टॉप टू रिंग का मुंह हमने एग्जॉस्ट की तरफ रखा है, ये एग्जॉस्ट की तरफ है, ये WPG लिखा हुआ है। और एक हेल्पर रिंग जो कि हमने कंप्रेशर रिंग के ऊपर जो दो हेल्पर रिंगें लगाई है उसका एक हेल्पर रिंग का मुँह हमने हमारे पिस्टन की पिन की इस तरफ रखा है, और इसी तरीके से दूसरी हेल्पर रिंग का मुँह हमने इस तरफ रखा है, और इसकी जो कंप्रेशर रिंग है उसके अंदर हमने W बनाया है।
और वो डब्ल्यू बी हमने इनलेट वॉल की तरफ रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस जगह डब्ल्यू बना हुआ है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से अब इसको गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं और फिर इसके बाद इसका सिलेंडर की फिटिंग करते हैं। तो इसके हमने एक तरफ लॉक लगा दिया था और अब हम इसके अंदर पिन लगाएंगे, उसमें थोड़ा सा मोबिल यूज़ करके हमने पिन लगाई और उस पिन को हम क्रेन की कनेक्टिंग रॉड में बिल्कुल सीक्वेंस में बैठा देंगे, जिससे ये पिस्टन क्रेन की कनेक्टिंग रॉड के अंदर असेंबल हो जाएगा। और फिर ये जैसे कि ये लग गई है पिन, और अब दूसरी तरफ से जिस तरफ से हमने इसकी पिन लगाई है उसी तरफ हमें लॉक लगाना है। तो वहाँ हम थोड़ा सा कपड़े का यूज़ करते हैं, वहाँ कपड़ा लगा के इसका लॉक इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों कपड़े का यूज़ इसलिए किया जाता है कि इन केस यदि लॉक छूट जाता है तो वो इंजन के अंदर गिर जाएगा, जिससे हमारी इंजन फिटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें इंजन दोबारा से डिसअसेंबल करना पड़ सकता है। इसलिए लॉक लगाने से पहले हम यहाँ एक कपड़े का यूज़ करते हैं, जिससे लॉक अगर गिरता भी है तो वो इंजन के अंदर नहीं गिरेगा। और इसको लॉक को हम बैठा देते हैं, तो ये लॉक हमारा बैठ गया है। और एक बार हम पिन पेचकस की मदद से इसको हिला के और थोड़ा सा मूव करके देखते हैं, यदि लॉक नहीं बैठा होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा लॉक अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अब बारी आती है इसके सिलेंडर की डाउल लगाने की, तो इसके अंदर दो डाउलें लगेगी दोस्तों, एक डाउल यहाँ इस तरफ लगेगी और दूसरी डाउल है उसके ठीक सिक्वेंस में नीचे की तरफ स्टड के अंदर लगेगी। तो ये दोनों हमने लगा दिए। अब बारी आती है इसकी पैकिंग की, तो पैकिंग भी हम इसके अंदर नई यूज़ कर रहे हैं। और ये पैकिंग भी हमने अच्छे से लगा दी है। अब हम वापस से इसके पिस्टन के नीचे जो हम टूल यूज़ कर रहे थे वो टूल ये लगाएंगे, ये हम थोड़ा सा मोबिल यूज़ करेंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा ही मोबिल दोस्तों हम सिलेंडर के ऊपर भी लगाएंगे, जिससे रिंग बैठने में आसानी होगी। अब हम सिलेंडर बैठाते हैं इसके अंदर। और दोस्तों सिलेंडर को गोल गोल करके बैठाना है, जिससे हमारी रिंगे बैठ जाएगी। और ये बैठ चुका है हमारा सिलेंडर। अब हम इसके नीचे जो हमने टूल लगाया था वो टूल निकाल लेंगे और इसकी टाइमिंग चेन को भी हम सिलेंडर के अंदर डाल लेंगे। और फिर इसके बाद इसके सिलेंडर को नीचे बैठा के दो तीन रोटेशन हम क्रेन के लगाएंगे, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि पिस्टन अच्छे से इंस्टॉल हुआ है या रिंग कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो गई है। इसलिए इसको बैठाने के बाद दोस्तों जब भी इंजन का काम करे, सिलेंडर को बैठाने के बाद एक बार उसी पोजिशन में इसकी क्रेन को घुमा के देख लेना चाहिए, यानी पिस्टन के एक दो राउंड लगा के देख लेना चाहिए, जिससे कंफर्म हो जाता है कि हमारा पिस्टन जो रिंग है वो अच्छे से बैठी है या नहीं बैठी। तो ये सिलेंडर बैठने के बाद हम इसको एक बार घुमा के देख लेते हैं, तो ये हमारा पिस्टन अच्छे से वर्क कर रहा है। और इसको अब हम ऊपर टॉप में ला के छोड़ देंगे। इसके बाद इसकी बारी आती है इसकी हेड फिटिंग की, तो हेड फिटिंग हमने पहले ही कम्प्लीट कर दिया था, उससे पहले हम इसकी दो डाउल ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो ये पहली डाउल हमने लगाई जो सिलेंडर में नीचे दो डाउल लगी थी, उसी सीक्वेंस में एक डाउल उसके ऊपर लगाई हमने और दूसरी डाउल भी हम लगाएंगे। और ये दूसरी डाउल भी हमने लगा दी है। अब हम इसकी हेड की पैकिंग लगाएंगे और उससे पहले हम इसका एक चेन गाइड जो कि इंजन में असेंबल है और दूसरा चेन गाइड यहाँ इस जगह लगाएंगे हम। ये हेड की पैकिंग भी हमने अच्छे से बैठा दी है। बारी आती है इसकी हेड असेंबलिंग की, तो हेड हम इसके सिलेंडर के अंदर बैठाएंगे सिलेंडर के ऊपर वाली पोजीशन में। और सिलेंडर हेड को बैठाने से पहले इसकी टाइमिंग चेन को हम ऊपर ले लेंगे और फिर उसके बाद हेड को नीचे की तरफ पुश करेंगे, जिससे हेड अपनी जगह पर बैठ जाएगा। ये थोड़ा सा चेन गाइड टच हो रहा था दोस्तों, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो चेन गाइड को हमने हल्का सा ऊपर किया और ये हेड अच्छे से हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसके हेड के ऊपर चार वॉशर और इसकी चार बोल्ट लगा के इसकी फिटिंग करेंगे और उसके बाद फिर इसकी टाइमिंग की असेंबलिंग करेंगे। टाइमिंग किस तरीके से लगाते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। और दोस्तों दो बोल्ट इसके हेड और सिलेंडर के साइड में लगेंगे इस जगह पे, वो भी हम लगा देते हैं। और फिर इसके बाद इसके चारों बोल्ट को और इन दो 10 नंबर के बोल्टों को अच्छे से टाइट कर देंगे, जिससे हमारा हेड सिलेंडर अच्छे से फिट हो जाएगा। फटाफट से इनको भी टाइट कर देते हैं हम। अभी इन दो 10 नंबर के बोल्टों को हल्का ही टाइट करेंगे, क्योंकि पहले इसके मेन जो चार बोल्ट ऊपर 12 नंबर के लगे हुए हैं उनको टाइट करेंगे, उसके बाद इन दोनों 10 नंबर के बोल्टों को अच्छे से टाइट करेंगे। तो फटाफट से इनको भी टाइट कर देते हैं।
और दोस्तों इन बोल्टों को भी हमेशा क्रॉस में कसना होता है, यानी क्रिस क्रॉस पैटर्न में इनको कसा जाता है, जिससे हेड सिलेंडर की जो हमने नई पैकिंगों का इंस्टॉलेशन किया है वो अच्छे से प्रेस हो सके और हेड सिलेंडर में लीकेजिंग के चांसेस बिल्कुल ना रहे, इसलिए इनको आमने सामने की तरफ कसे जब भी हेड सिलेंडर का काम करें। दोस्तों इन बोल्टों को हमेशा आमने सामने क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही टाइट करें। तो इनको टाइट करने के बाद अब बारी आती है इनके दोनों 10 नंबर के जो लंबे बोल्ट बचे हुए थे उनको अच्छे से टाइट कर देते हैं, जिससे हमारा हेड सिलेंडर फिटिंग हो चुका है। उसके बाद बारी आती है इसकी टाइमिंग की, तो वो भी अब हम कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है इसकी टाइमिंग की, तो ये हमने केम स्पॉकेट लिया है ऊपर का जो कि हेड में असेंबल होगा, इसमें इसको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना है कि केम स्पॉकेट के ऊपर दो एरो के निशान बने हुए हैं, वो हेड के दोनों जो हमने 10 नंबर की बोल्ट लगाए थे उस सीक्वेंस में रखने। तो दोस्तों इसको कुछ इस सीक्वेंस में रखना है और इन पे दो मार्किंग बनी हुई है, मैं आपको शो कर देता हूँ कि केम इस पॉकेट पे किस जगह मार्किंग बनी हुई है। ये यहाँ एक लिखा हुआ है और ये दो लिखा हुआ है, दो हमें एग्जॉस्ट की तरफ रखना है और एक जो लिखा हुआ है वो ऊपर की तरफ रखना है। और इसके अलावा दोस्तों यदि किसी गाड़ी में केम इस पॉकेट पे ये मार्किंग ना हो तो आपको सिंपल से वे में इसकी टाइमिंग लगानी है, पिस्टन को टॉप पे लेना है और वाल इस समय बंद पोजीशन में होने चाहिए, यानी हमारे वाल बंद है इस समय, पिस्टन टॉप में, और केम इस पॉकेट पे जो दो एरो के निशान बने हुए उसको हेड के ऊपर वाले फेस पे एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है, यानी हेड के जो फेस बना हुआ है उसी सीक्वेंस में इनको रखना है। तो ये हमने टाइमिंग इंस्टॉलेशन कर दी है अच्छे से, अब फटाफट से केम इस पॉकेट के दो बोल्ट लगाते हैं और फिर इसको भी टाइट करते हैं। ये हमने दो 8 नंबर के इसके स्क्रू लगा दिए हैं, अब हम मैग्नेट को पकड़ के इन दोनों बोल्टों को अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइमिंग को लगाने के बाद दोस्तों एक बार हम मैग्नेट को यूं घुमा के देख लेंगे, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी टाइमिंग अच्छे से लगी है नहीं। तो एक बार हम मैग्नेट को घुमा के देख लेते हैं। ये हमारा इनलेट वाला वाल्व दबा, तो बिल्कुल परफेक्ट है हमारी टाइमिंग। अब बारी आती है इसकी टाइमिंग चेन को टाइट करने वाले चेन टेंशनर की, तो चेन टेंशनर जो कि पुराना ही लगाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में है, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा चली हुई नहीं थी, सिर्फ ऑयल की कमी की वजह से इसका इंजन सीज हुआ था। तो अब हम चेन टेंशनर में पैकिंग लगा के उसको भी लगा देंगे, जिससे हमारी टाइमिंग चेन भी टाइट हो जाएगी। तो ये हमने इसमें पैकिंग लगाई और अब इसको यहाँ इस जगह इंस्टॉल कर दिया। इसके दो ऊपर 10 नंबर के बोल्ट आते हैं, वो लगा के इसको भी टाइट कर देते हैं और फिर चेन टेंशनर का जो एडजस्टमेंट का बोल्ट है वो हम रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि हमने वो बंद करा हुआ है, जिससे चेन टेंशनर अभी आधा खुला हुआ है और जब हम उसके बोल्ट को रिलीज़ करेंगे तो वो हमारा टेंशनर पूरा खुल जाएगा, जिससे टाइमिंग चेन की तरफ वो धक्का देगा और हमारा टाइमिंग चेन टाइट हो जाएगी। ये हमने टाइट करने के बाद इसको पिन पेचकस की मदद से हल्का सा रिमूव करना है, ये हमने कर दिया और हमारी टाइमिंग चेन अच्छे से टाइट हो गई। ये देखिए ये टाइट हो चुकी है और चेन टेंशनर के ऊपर जहाँ हमने रिलीज़ किया था उसके ऊपर एक चार मुंह के पेचकस का स्क्रू होता है, प्लस का जो बोल्ट जिसे बोलते हैं प्लस के पेचकस का, उसको भी हमने लगा दिया और उसको भी अब हम टाइट कर देते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अब बारी आती है इसकी टेपेटो की सेटिंग की, तो दोस्तों इसके अंदर जो रोकर आर्म है वो रोलर वाले रोकर आर्म है, तो इनके अंदर टेपेटो की सेटिंग कुछ इस तरीके से रखी जाती है। और दोस्तों अगर MM के अंदर इनके वाल क्लियरेंस की बात करें तो इनलेट वाले वाल के अंदर 0.6 MM का क्लियरेंस रखा जाता है और उसी तरीके से एग्जॉस्ट वाले वाल में 0.8 MM का क्लियरेंस रखा जाता है। तो दोस्तों हमें काफ़ी अनुभव हो चुका है इंजन फिटिंग करते हुए और काफ़ी साल हो गए हमें काम करते हुए, इसलिए हम वॉल क्लियरेंस के लिए हम आइडिया ही लगा लेते हैं, हमें वॉल क्लियरेंस के लिए इसके टूल का यूज़ नहीं करना पड़ता, हम अपने आइडिया से इसके टेपेटो की सेटिंग कर देते हैं और वो बिल्कुल परफेक्ट पोजिशन में होती है। और ये हमने इसके इनलेट वाले वॉल की टेपिट क्लियरेंस कर दी है अच्छे से। अब बारी आती है इसके एग्जॉस्ट वाले वाल की टेपिट क्लियरेंस की, दोस्तों एग्जॉस्ट वाले वाल का क्लियरेंस हमेशा इनलेट वाले वाल से ज़्यादा ही मिलेगा हर गाड़ी के अंदर, और अगर इनमें आप ज़्यादा क्लियरेंस रख देंगे तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने के बाद टेपिटो का नॉइज़ आएगा, इसलिए जितना कंपनी रिकमेंडेड इनका क्लियरेंस रखती है उतना ही आपको रखना चाहिए, जिससे इंजन के अंदर वाइब्रेशन और पिकअप की प्रॉब्लम का इशू कभी नहीं आएगा और इंजन का साउंड वैसा होगा जैसा इंजन गाड़ी के साथ जो नई गाड़ी के साथ आता है उस तरीके का इसका साउंड हो जाएगा। तो दोस्तों नई पैकिंग को हम टॉप कवर के ऊपर लगा देंगे और फिर उसके बाद इस टॉप कवर को ही सीधा इंजन के ऊपर लगा के फिटिंग कर देंगे। ये पैकिंग अच्छे से लग गई है, अब इसको इसी तरीके से इसको
हेड के ऊपर असेंबल कर देंगे और उसके ऊपर जो 10 नंबर के स्पेशल बोल्ट होते हैं वो लगा के इसको टाइट कर देंगे। तो टेपिटो के ऊपर के कवर के बोल्ट कसने के बाद दोस्तों इसके हेड और ऊपर वाले कवर के बीच में एक रबर रिंग लगी हुई होती है, जो कि हम जब हम प्लास्टिक का कवर लगाते हैं तो वो ये कवर को टच करती है, वो प्लास्टिक का कवर, जिससे यदि कोई इंजन ज़्यादा गर्म होता है तो वो प्लास्टिक का कवर जलता नहीं है इस रबर रिंग की मदद से। तो इसको भी हम लगा देते हैं और उसके बाद हमारी इंजन की फिटिंग तो हो चुकी है, उसके बाद हम इसके कवर लगा के इसको कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों ये सिलेंडर के नीचे वाला प्लास्टिक का कवर है, इसको इस तरफ लगाएंगे और इसी तरीके से इसके ऊपर वही एक कवर आएगा प्लास्टिक का, वो कुछ इस तरीके से इससे मैच खाता हुआ लगेगा। और दोस्तों इन कवर के अंदर लॉक होते हैं, वो लॉक आपस में मिलने चाहिए, इससे अच्छे से बैठ जाते हैं। तो हमारा इस तरफ के कवर का काम हो गया है, अब हम इसके स्क्रू लगा के इसको फटाफट से टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों ये सारे कवर हमने अच्छे से लगा दिए हैं, अब बारी आती है इसकी सेल्फ की फिटिंग की, तो सेल्फ भी हम लगा देते हैं। ये दोस्तों कार्बोरेटर का एल्बो पाइप है, इससे कार्बोरेटर अटैच होता है। तो फाइनल में यही काम बाकी रह गया था जो हमने लगा के कंप्लीट कर दिया है, अब हम इसका स्पार्क प्लग है वो भी लगा देते हैं। दोस्तों इसकी लास्ट में रह गई है इसकी यूरो पाइप, इसको वैक्यूम सेकेंडरी पाइप भी बोलते हैं, इसके अंदर नई पैकिंग लगा के इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं और फिर हमारा इंजन असेंबलिंग पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा इंजन असेंबलिंग का काम पूरा तरीके से रेडी हो चुका है, यानी ये रेडी टू शिफ्ट है, इसके अंदर सिर्फ व्हील और इसका साइलेंसर लगाना और ये गाड़ी में लगने को तैयार है। चाहेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो हम लाते रहते हैं। और दोस्तों जो वीडियो हमारे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई नॉलेज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।